हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है बंडे एंड अभी बज रहे हैं 8। मैं नहा भा के रेडी हूँ एंड आज जाऊँगी मैं अपने भाई के कुछ काम से एंड वहाँ से फिर आते टाइम शॉपिंग, तो साथ में रहेगा। तो मैं जब से आई हूँ नीचे नहीं गई, तो चलिए साथ में चलते हैं। ये नदी मतलब ऐसी है ना, आई थिंक साल के इसमें 6 महीने पानी रहता है एंड बाकी के 6 महीने खेती होती है, तो यहाँ पर 5 लगता है बोले। तो इस बार क्या हुआ, यहाँ पर मतलब ये पानी सूखा ही नहीं, तो इस बार किसी की खेती भी नहीं हो पाई है बोले, बहुत लेट लग गया है सूखने में। एंड देखिए कितनी दूर तक है, ये पूरी फुल रहती है। ये कचौड़ी बोलते हैं, ये जो हरा हरा पत्ता है इसको, आई थिंक ये हो जाता है पानी में, फिर पूरा वो हो जाता है। एंड जब पानी सूखता है तब भी ये ज़िंदा ही रहता है, नहीं मरता है। तो फिर एक तो मेहनत हो जाती है ये कचौड़ी वचौड़ी साफ करने, क्या बात है यार, एक भी डक वक कुछ नहीं है। एंड ये आ रहे हैं पतिदेव। ये है लौकी का पेड़, लौकी इसमें लगा नहीं है अभी तक, ये देख तो दिख रहा है। चलो पत्ता तोड़ के लेके जाएंगे, इसको भाजी खाएंगे। आगा मत तोड़ो उसका मुंडी को, फिर वो बढ़ेगा नहीं वे फर्जों में। आज एक भी हाश नहीं दिख रहा है सही में, सब पानी के अंदर है। ओ दे वहाँ पे डूब गोते खा रहे हैं गोते, ओ देखो, ओ देखो गोते खा रहे हैं वहाँ पे। तो लाऊ मिला पेड़ में, कहाँ है? ओ ये तो खराब भी हो गया आधा। ओ लोग अच्छा लगाए, वो देखो ऐसे माचा बना के, कहाँ है नहा दो, देव हो रहा है, दो ठो हो रहा है, दिख रहा है वो देखो। तो ये देखिए डक महाशय को खोजते करते वहां से यहाँ आगे में, ये देखिए अरे यार मैं आ रही हूँ, ये भाग रहे हैं, भारी होश यार देखो तो। अरे कुछ हो रहे वहाँ पे गोते खा रहे हैं, ओ दे चले गए पार। तो ये दोनों भाई बहन अभी लाऊ का पत्ता तोड़ने का तैयारी कर रहे हैं। तो कल बना था घर में प्यार, डबल डबल ढक्कन से ढका है। ये पीठे बंगालीज का स्वीट एंड ये रहा भाजा पीठे, हम लोग रात को खा खा के थोड़ा थोड़ा ये देखते हैं, वेट। एंड ये रहा भाजा पीठे को फिर दूध में डुबोए। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही है, सुबह मीठा मीठा सारा। तो पहले तो मैं चाय पीऊंगी, इसके बाद कुछ करूंगी। तो यहाँ पे दीदी सर्व करते हुए सबको बुला बुला के। तो ये देखिए पगलोल को कोई नहीं मिल रहा है इसको, तो ये हमें को लगा ऊपर है दादा के पास। क्या 3 ऑनलाइन मंगाया था? तुमको खाली खरीद के देंगे, बजाना तो है नहीं, किसी और रखा है घर में, उसको नहीं छूना रहता है तुमको, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास तो जतन नहीं है कोई चीज का। टेडी बियर ले दो, टेडी बियर ले दो, मेरे हाइट का जितना 5-6 फीट का टेडी बियर लेके दो, उसको जतन ही नहीं करते हो तुम, इसलिए उसको उठा के रखिए। मैं सोऊंगी उसके साथ, सोऊंगी फिर बाद में क्या हुआ? हाँ तो सही तो बात है, बीच में उसको डालोगे तो कहाँ से जगह बनेगा। देखो ये महारानी आ रही है ट्यूशन पढ़ा के, फोन करी तो हाँ आ रही हो, सेकंड टाइम करी तो उठाई नहीं, मेरे को टोपी पहना है। तो अलादा अलादा पढ़ाई, ये आ गई हमारी मैडम।
तो यहाँ पे इन लोग का भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी। कबूतर हम खा जाए था कि ना कहो हट्टा वो नहीं खा जाए कि 5 लीटर से सत्तर नहीं है किसी को रे और हमने आड़ों को बना दिया है यूट्यूब वीडियो फ्रेंड्स तो फाइनली वी आर रेडी टू गो। चलो दीदी, ओ दीदी 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 अभी टीवी देखने में बिजी है। दीदी चलो जासी हे रे दीदी इधर पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। उसके बाद सीधे हम लोग पहले गए मार्केटिंग करने के लिए एंड उसके बाद गए मम्मी के यहाँ। तो ये है बोगला मार्केट, जो लोग देखे हैं वो लोग जान रहे होंगे। यहाँ पर एक से बढ़कर एक कपड़े की शॉप है। तो सबसे पहले मुझे कुछ लेना था तो मैंने पहले ले लिया एंड उसके बाद फिर गए हम लोग मम्मी के यहाँ। तो फिर उसके बाद इधर थोड़ा फ्रूट वगैरह भी कुछ कुछ लिए एंड यहाँ की जो बेर थी इतनी अमेजिंग थी, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ तक लेके आई हूँ। तो फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हम लोग मम्मी के यहाँ एंड मेरी पिसी। हाय पिसी, जाइए ना बस से। दीदी को तो बोलिस ना, दीदी को तो बोलिस ना। हां दीदी बोल, दीदी बोल, दीदी दीदी बोल। मुर्गी आई से तुम्हारे मुर्गी देत के से आई धाम छोड़ी दिलम का तुम्हें कौन बाड़ी जाबा उधर जाबा पीछे कौन दिखे जाबा हम की होती जाबा वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और हम आ चुके हैं अपना होम स्वीट होम। हमने ट्रेन से आते टाइम वीडियो नहीं बनाए, ब्लॉगिंग नहीं की, बहुत टायर्ड फील। मम्मी को तो उल्टी भी बहुत लग रही थी और उनको चक्कर भी आ रहा था ना, तो बहुत टायर्ड हो गए थे। और हम लोग घर पे आ गए थे 7 बजे और अभी सारा काम धाम हो चुका है। मैं नहा चुकी हूँ, पापा नहा चुके हैं, पापा चले गए शॉप, मम्मी गई नहाने और मैं यहाँ खा रही हूँ चिप्स, चिप्स नाम का चिप्स। और वहाँ पे डरावनी कहानी, आज पढ़ाई नहीं होगी बट खेल जरूर होगा। चलो मम्मी आते तब मिलाते हूँ आपसे, आप लोग को उनसे। यहाँ मम्मी नहा के आके फिर दाल कुछ बोल दो, सुबह से कुछ नहीं बोल रहे हो। बाय बाय। कहाँ पे सो
है फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग कोलकाता से आ चुके हैं। मॉर्निंग में 7:30 बजे से हम लोग घर पहुंच गए थे, तो अभी बज रहे हैं 12। सारा घर का काम वाम करके खाना वाना बना के एंड कपड़े आज कपड़े बाद धुल रहे हैं, तो बस फाइनली सब कुछ हो गया। बस अब मुझे आराम करना है और कुछ नहीं, दिन में आराम से खा पी के सोना है। तो देवू को फटाफट से कॉल करूँगी एंड हम लोग खाना खाएंगे। तो सब्ज़ी तो कुछ नहीं, दाल है एंड अंडा है, तो अंडा भुजी कर दूँगी एंड दाल बन चुके तो अंडा भुजी गर्म गर्म बनाऊँगी मैं जब पति देव खाएंगे। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी शाम को। बहुत थक गई हूँ बहुत सारा, कल मेरे पैर दोनों फूल फूल के ऐसे मोटे मोटे हो गए थे, मैं टेंशन में पड़ गई थी। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे पैर फूले हैं, वो भी इतने ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आया क्यों। बाकी अभी ठीक है, तो चलिए शाम को मिलते हैं। हे फ्रेंड्स, देखिए कपड़ों का भंडार, इतना तो रास्ते में उड़ने वगैरह के लिए लगा था, 6-3 ब्लैंकेट्स हैं, 3 बेडशीट्स हैं, ये तो सबके डबल डबल कपड़े, अभी सबको फोल्ड करूँगी मैं और क्या करूँगी। तो उतने टाइम सो ही थी मैं, अराउंड 2-3 बजे, 2-2.5 बजे तक तो सो ही गए थे। तो परसों से मुझे बहुत चक्कर चक्कर आ रहे हैं, तो देवू को बोल रहे, तो सोच रहे थे ऐसे गर्मी वर्मी का होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी मतलब थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर मैं सो गई, तो फिर उन्होंने बीपी चेक किया तो देखे तो बहुत ज़्यादा लो है, फिर उठ के खुद ही दवाई खिलाई। तो पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा लो हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आया, 90 हो गया था बीपी एंड पल्स भी बहुत डाउन थी, 55 चल रहे थे, नहीं तो नॉर्मली मेरी पल्स बढ़ जाती है, इस बार उल्टा हुआ। तो ठीक है, बाकी अभी ठीक हूँ मैं। तो चले गया शॉप, अभी मैं ये सब काम करूँगी, झाड़ू वाड़ू लगाना सब बाकी है। एंड वहाँ पर गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, यहाँ पर तो जैसा वैसा ही हाल है। चलिए ये देखिए इतने ज़्यादा कपड़े हैं पूरे। अनहिति का भागी है खेलने के लिए, 4-5 दिन खेली नहीं है,